नहीं, निश्चित तौर से भगवान का आस्था का केंद्र है, जाना चाहिए इनको, पहले भी करना चाहिए था, आज ही क्यों कर रहे हैं, इनको पहले भी करना चाहिए था। भगवान राम का स्थान है और वहाँ पे सारी चीज़ें विराजमान हैं, तो इनको आज ये चुनाव आया है तो आज वहाँ कैबिनेट मीटिंग हो रही है, इसको पहला जब पहली बार शपथ लिए थे योगी जी तो इनको पहले ही दिन वहाँ मीटिंग करनी चाहिए थी। अगर आस्था होती तो पहले ही मीटिंग वहाँ करते, तो ये तो केवल चुनाव के प्रोपेगेंडा के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। भगवान राम का आस्था का केंद्र है, हम सब लोग नमन करते हैं। सर कह रही कि विकास योजना प्लान तो पहले दिन भी कर सकते थे, आज चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, तो ये केवल प्रोपेगेंडा है। ये ऐलान तो लखनऊ में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वैसा तो नहीं रोका गया ऐलान करने के लिए। वो आस्था का केंद्र है, हम सब लोग वहाँ पे सबकी आस्था है। सर महिलाओं के आपत्तिजनक बयान पर प्रधानमंत्री ने भी आलोचना की है। नहीं, निश्चित तौर से नीतीश कुमार जी ने, वो तो एक उनका स्लिप ऑफ टंग रहा होगा और उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना मांग ली और माफी मांग ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।